नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आप अपने स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। और आपके स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए तीन ऑप्शन रहेगा आपके पास। पहला, आप अपने फ़ोन के थ्रू, यानी कि आप अपने फ़ोन का जो वाईफाई है हॉटस्पॉट के थ्रू आप अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर राउटर है तो राउटर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, लाइन की कनेक्टिविटी, जैसे कि आप लैपटॉप या फिर पीसी वगैरह में कनेक्शन देते हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे फ़ोन के इंटरनेट से आप कैसे अपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि फ़ोन में डेटा ऑन करना है और उसके बाद आपको अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है। वो मैंने जैसे कि कनेक्ट ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है टीवी में। टीवी में जाने के बाद टीवी के सेटिंग में जाना है आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेटिंग है यहाँ पे। सेटिंग में जाने के बाद ओपन करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा जनरल, यानी कि अगर आपके पास सैमसंग का टीवी है तो हम जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद उसके बाद आना है मेरे को नेटवर्क में। नेटवर्क में जाने के बाद ओके करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ओपन नेटवर्क सेटिंग में। ये स्टेटस के लिए, अगर इंटरनेट कनेक्शन किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। और अगर आपको कनेक्शन करना है तो हम जाएंगे इंटरनेट सेटिंग में, यानी कि ओपन नेटवर्क सेटिंग में। यहाँ पे हम ओपन नेटवर्क सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वाईफाई, लाइन कनेक्टिविटी और डोंगल के लिए। तो मेरे को फ़िलहाल अभी करना है वाईफाई के थ्रू, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरा वाईफाई रहेगा, यानी कि जो मेरा वाईफाई यहाँ पे कैप्चर कर रहा है सिस्टम या टीवी आपका कैच कर रहा है, उसमें जा करके हमको कन्फिगर करना, यानी कि ओके करना है। तो फिलहाल जो मेरा है, ये मेरा वाईफाई है जो कि मैंने ओपन करके रखा है। अगर आपका हॉटस्पॉट में, अगर आपने इंटरनेट के लिए आपने अगर कोई पासवर्ड सेलेक्ट करके रखा है तो आपको वहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसा कि जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक ये कनेक्शन ले रहा है। अगर आपने पासवर्ड दे के रखा होगा तो ये कनेक्शन के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो आपका हॉटस्पॉट का पासवर्ड है वो डालेंगे, ओके करेंगे, ये इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो इंटरनेट कनेक्शन हो गया है। इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद मैं आपको इसमें टीवी में कुछ लाइक जैसे यूट्यूब में आपको चला करके दिखाता हूँ। नॉर्मली है इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद नॉर्मली आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में आप जाओगे और ये सारा कुछ डिपेंड रहेगा स्पीड आपके इंटरनेट के हिसाब से, यानी कि आपका इंटरनेट का स्पीड जैसा रहेगा उसी के हिसाब से आपका टीवी काम करेगा। हाँ, और ये भी चीज़ आपका जो इंटरनेट का जो मतलब खपत होगा एक तरह से बात करें तो वो फ़ोन के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए बिकॉज इसका स्क्रीन साइज़ बड़ा है। तो ऑब्वियसली आप अगर हाई क्वालिटी में HD या फिर फुल HD में वीडियो अगर आप चलाते हो उसमें तो थोड़ा सा KB बोलिए या फिर MB बोलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। नॉर्मली आप देख रहे हैं मेरा YouTube खुल गया है। YouTube में जाने के बाद नॉर्मली मान के चलो मैं कोई वीडियो सेलेक्ट करता हूँ या फिर जैसे यहाँ पे सर्च करने का भी ऑप्शन आ रहा है, ओके करके सर्च करते हैं, देखते हैं। मान के चलो ये गाना आ गया, इसको मैं आपको ना प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये सारा कुछ मेरा भी ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है ये हमारे नेटवर्क के हिसाब से, यानी कि हमारा जो फ़ोन था, फ़ोन से जो मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया है वो मेरे नेट पे ये पूरा का पूरा डिपेंड है। तो जैसे कि आप देख पा रही है चल रहा है, साउंड बढ़ाते हैं। जैसा कि देखा आपने काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो आप इस तरह से जा करके आप अपने स्मार्ट टीवी में ये आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट। थैंक यू।